उनका जन्म ऑस्लो नॉर्वे में हुआ था और वे एक सुनार के बेटे थे। उनका प्रशिक्षण सुनार के रूप में किया गया था, लेकिन अपनी माँ के सलाह के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चुना बिकॉज इकोनॉमिक्स सबसे छोटा और आसान सब्जेक्ट लग रहा था। कुछ दिनों तक अपने पारिवारिक व्यवसाय को चलाने के बाद उन्हें यह लगा कि ज्वेलरी नहीं बल्कि उनका पैशन एकेडमिक रिसर्च है। ए टू जेड साइंस की इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज सीरीज की इस वीडियो में मैं ऋषि कुमार 1969 में दिए गए फर्स्ट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज के बारे में बताऊंगा। इस ईयर दो लोगों को इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसमें से एक रैंगर फ्रिस्क थे, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। रैंगर फ्रिस्क को 1969 में इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड डायनेमिक्स मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोसेस के लिए दिया गया। रैंगर फ्रिस्क को इकोनॉमिक्स को मॉडर्न साइंस के रूप में संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति की और बहुत सारे शब्द जैसे इकोनोमेट्रिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे शब्द दिए। 1919 में ग्रेजुएशन के बाद वो कई वर्षों तक मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स स्टडी किए। 1926 में उन्होंने ऑस्लो से पीएचडी इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त की और बाद में वो प्रोफेसर बन गए। 1926 में फ्रिस्क ने अपने विचारों को रेखांकित करते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को उसी पाथ को फॉलो करना चाहिए जिसे फिजिक्स ने फॉलो किया है, जिसमें कि मैथमेटिक्स को बेस के आधार पे माना जाना चाहिए। फ्रिस्क ने प्रोडक्शन थ्योरी के कोर्स पर लेक्चर देना शुरू किया और इसका मैथमेटाइजेशन करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस के लिए एक वर्ष दिया, जिसमें कि उन्होंने अपने साथ वर्क करने के लिए एक ज्वेलर ढूंढा और अपने वर्कशॉप को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने एकेडमिक वर्क शुरू किया और 1928 में वो ऑस्लो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए। 1927 से 1929 तक फ्रिस्क ने अनेक लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक एनालिसिस में डायनेमिक्स का यूज किया। 1931 में फ्रिस्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए और 1932 में रॉकफेलर फंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक साइंस की स्थापना की और इसके रिसर्च डायरेक्टर नियुक्त किए। 1943-44 में नॉर्वे पर नाजी जर्मनी द्वारा कब्जा के दौरान फ्रिस्क को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। वह 20 वर्षों तक इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के संस्थापक और इकोनोमेट्रिका के संपादक। उनके सम्मान में फ्रिस्क मेडल की स्थापना की गई, जो पिछले 5 वर्षों में इकोनॉमिक्स में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पेपर को हर 2 साल में दिया जाता है। फ्रिस्क ने 1920 में मैरी सुमाल से शादी की और उनकी एक बेटी थी। 1952 में अपनी पत्नी के डेथ के बाद उन्होंने अपने बचपन की दोस्त से दोबारा 1953 में शादी की। 77 वर्ष की उम्र में उनका डेथ 31 जनवरी 1973 को ऑस्लो नॉर्वे में हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज विनर रैंगर फ्रिस्क के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।